पेशेंट को तुरंत ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप यहाँ आप मेरी एप्लीकेशन खत्म कर रही है। लड़कियाँ उनके साथ हाथ सफाई करी। उन्हें फोन पे बात करने के लिए कैसे इनकार कर दिया। अलवर में हरीश हॉस्पिटल के स्टाफ और सभापति में हुई झड़प। एक तरफ डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है और दूसरी तरफ हम रोजाना निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध करवाने के लिए पैसे लेने सहित कई खबरें सुन रहे हैं। कई चिकित्सक और निजी अस्पताल वाले लोग कोरोना जैसी महामारी को एक अवसर की तरह लेते हैं और अपनी जेबों में पैसे भर रहे हैं। सभापति बीना गुप्ता अपने परिजनों के हाल पूछने पहुंची तो अस्पताल प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर हरीश गुप्ता ने और वहां कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ने सभापति से बात नहीं की। मैं करती हूं अरे फोन के लिए मैं समझ की मैं गया था तो वहां करने के लिए मैं अभी जाकर मैं सुबह में एडमिट करा रात को मैं कितना पैसा मांग रहा हूं। सभापति ने रिसेप्शनिस्ट पर अपना गुस्सा उतार दिया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। क्यों आए 5 मिनट मुझे बताओ ये कितने पेशेंट जमा रहे हैं। आपको तो इससे मतलब है, हमें आपको इससे मतलब है। तुम क्यों लेते हो पेशेंटों को, कोई पैसे लूटने का लग रहा है इस टाइम। रोज इतने कल 9 बजे तक 10,000 मोड़ी थी। मैं खुद भी सभापति के द्वारा किया गया हंगामा जायज तो नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल के ऊपर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं। 3 दिन पहले भी हॉस्पिटल ने चिरंजीवी स्कीम के तहत एक मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया था और पैसे लेकर भर्ती कर लिया था। आइए दिखाते हैं क्या कहा मरीज के परिजन ने। हमारे मित्र का एक मरीज भर्ती था यहाँ पे इस अस्पताल के अंदर, जिसकी चिरंजीवी की योजना हो रखी है और पिछले 3 दिन पहले वो मरीज इस हॉस्पिटल के अंदर आके भर्ती हुआ था। और आज भर्ती होने के बाद उस समय इन्होंने बोला, हमने बोला कि चिरंजीवी योजना से, तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा बेड नहीं है। फिर हमने 5 ही मिनट बाद एक विकल्प हमने लगाया कि हमने कहा कैश का मरीज ले लेंगे क्या आप, तो उन्होंने कहा हाँ कैश के मरीज के लिए बेड हमारे पास एक्स्ट्रा है और वो कैश के मरीज को उन्होंने बेड दे दिया। चिरंजीवी की योजना की हमने बात करी तो उसने बोला कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपने पेशेंट को तुरंत ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आपको बता दें कि हरीश हॉस्पिटल पहले भी अपनी लापरवाही और मनमानी के चलते सुर्खियों में रहा है और इनका विवादों से गहरा नाता है, लेकिन सभापति महोदय को भी इस तरह से बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए था। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला शांत करवाया। ऐसे में ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र मीणा ने अपनी ही पार्टी के सभापति पर कई आरोप लगा दिए। ये देखने की बात है कि एक ही पार्टी में आपस में कलह और गुटबाजी कहां तक चल पाएगी, क्या आलाकमान इस पर कोई कदम उठाएगा। आइए आपको दिखाते हैं सभापति ने क्या हंगामा किया और इस हंगामे पर डॉक्टर हरीश गुप्ता और सभापति ने क्या कहा। नगर परिषद की सभापति महोदया यहां पर गुस्सा करते हुए आई कि उनका मैंने फोन रिसीव नहीं किया। फोन उन्होंने सुबह किया था जब मैं वॉशरूम में था, तो मुझे पता भी नहीं कि उनका फोन आया था, लेकिन उनका कहना यह है कि मैंने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। और तो यहाँ पर आते ही हमारे रिसेप्शन पर जो रिसेप्शनिस्ट हैं लड़कियाँ उनके साथ हाथापाई करी और उनको गुस्सा दिला गुस्सा करा। उन्होंने मेरे पास फोन आया था तो उनने कि साहब एक महिला ये कोई मोटी सी को कह रहे हैं कि हमको खींच लिया, गुरबान पकड़ खींच लिया बाहर और ये कहा कि यहाँ कौन है प्रशासन का देखने वाला और कोई, आप लोग कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, ये नहीं देते। और उनको सबों को नर्सिंग स्टाफ को सबों को बुलाकर उनको डांट लगा दिया और उनको धक्का हाथापाई करने लगी। आज एक हफ्ते में ये 3रा पेशेंट है हमारा। 2 पेशेंट पहले भी मैंने कलेक्टर साहब से एक रोज मैंने 11:30 बजे बात की, उस पेशेंट को यहाँ से हमने निकाला हरीश हॉस्पिटल से और कलेक्टर साहब ने उसकी इतनी बढ़िया व्यवस्था करी, आज उसकी ऑक्सीजन 90 से ऊपर है। मैंने यहाँ पेशेंट के परिजनों से बात की, परिजनों ने मैंने कहा उनसे मेरा इंचार्ज से बात कराओ, तो परिजन इंचार्ज के पास गए, इंचार्ज ने ये जवाब दिया मुझे कोई चेयरमैन से बात नहीं करनी। सबसे पहले मैंने जो रिसेप्शन पे उस लड़की से बैठी, मैं कहा बाहर आ केबिन में से, तूने फोन पे बात करने के लिए कैसे इनकार कर दिया, संतोषपूर्वक जवाब क्यों नहीं देते जनता को। मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर बुलाया, केबिन से बाहर आ जा। 4-5 पेशेंट के पेरेंट्स बुरी तरह रोने लगे, सारे के सारे मेरे साथ हुए कि इनकी यही रवैया चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको इस हॉस्पिटल पे रोक लगानी चाहिए, अगर ये गलत करते हैं तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कलेक्टर साहब से मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है। प्रथम नागरिक है शहर की और सभ्यता होनी चाहिए, जिस तरह अमर्यादित और असभ्यता से जिस तरह से मैंने देखा, क्योंकि मैं भी एक पेशेंट से मिलने आया तो मैंने देखा कि वास्तव में किस अमर्यादिता के तरीके से इन्होंने, आज कोविड की महामारी चल रही है, कोविड महामारी में डॉक्टर्स का आज जो हालात है, जिस हालात से लोग जूझ रहे हैं, जिस हालात से काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसका ये परिणाम मिल रहा है कि इनको गालियाँ दी जा रही हैं, इनके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। आज कोई मरीज कोई क्रिटिकल कंडीशन है, कोई चीज़ हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, है
आप यहाँ आके मिसबिहेव करके और अनुशासन खत्म कर रही हैं और हॉस्पिटल का जो भय जिन्होंने बनाया है डॉक्टरों में नर्सिंग स्टाफ में इतने भयभीत हो गए हैं। मैंने देखा है कि इस तरह से कोई इलाज करने को तैयार नहीं, अगला कोई इलाज करने को तैयार नहीं होगा कोई डॉक्टर है। आप इस तरह के शहर की प्रथम नागरिक हो गए इस तरह। मैं कहना चाहूँगा और मैं इसमें पार्टी में भी इसमें इनके खिलाफ कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी सरकार आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अशोक गहलोत जी जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं उस शिद्दत को खराब कर रहे हैं यहाँ के। तो मैं बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई की मैं बात करूंगा और मैं अभी आदरणीय जिलाध्यक्ष से ही बात करूंगा, मंत्री से ही बात करूंगा, भवर साहब से ही बात करूंगा कि इस तरह जिस तरह इसने मिसबिहेव किया इसकी कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। अलवर से बीटीवी भारत के लिए युवराज शर्मा की रिपोर्ट।